हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है भाई? क्या हैदराबाद टॉप टू में आ पाएगी और गुजरात के साथ उनका मुकाबला? कुछ टीमें चाह रही हैं भाई हैदराबाद के मुकाबला हार जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या माइटी हैदराबाद एक हफ्ते के रेस्ट के बाद जब ग्राउंड पर आएगी, क्या उनके गेम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा या फिर गुजरात को हरा के टॉप टू में जाने की प्रबल दावेदार बन जाएगी? आइए जानते हैं गुजरात और हैदराबाद का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा और भी काफ़ी कुछ यहाँ आपको जानने को मिलेगा। चैनल पहली बार विजिट करें तो भाई कर देना सब्सक्राइब ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद और गुजरात का जो ये मुकाबला है 66 मैच जो कि आपका खेला जाने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि आपका हैदराबाद में और बहुत ही कमाल का स्टेडियम है। और जब जब हैदराबाद वहाँ खेली है, पिछला मुकाबला याद है या मैं याद दिलाऊं भाई, लखनऊ के साथ उनका मुकाबला था, 9 ओवर में 165 चेज किया और फेंक दिया भाई लखनऊ को एक तरीके से, इतना वन साइडेडली। और ये मेरे हिसाब से क्रिकेट इतिहास का ये सबसे जल्दी रन चेज उन्होंने कर दिया है। और यहाँ पर इसके बावजूद क्या गुजरात की टीम उनको टक्कर दे पाई, क्या ये जानते हैं इनका क्या है पुराना इतिहास? गुजरात और हैदराबाद के बीच में हुए हैं भाई 4 मुकाबले, जिसमें से 3 मुकाबले गुजरात जीती है और एक हैदराबाद जो कि इसी साल जीती है। अब और डीपली इनका एनालिसिस करते भाई, SRH ने पहले बैटिंग करके कोई मुकाबला नहीं जीता हैदराबाद, हैदराबाद ने पहले बैटिंग करके गुजरात को नहीं हराया है। यहाँ पे उन्होंने चेज करते हुए एक मुकाबला जीता है और जो उनका हाईएस्ट चेज है वो 168 है। वहीं अगर आप गुजरात के बारे में जानोगे तो भाई उन्होंने पहले बैटिंग करके एक मुकाबला और गेंदबाजी करके 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं उनका जो हाईएस्ट चेज है 199 है और लोएस्ट डिफेंड है 188 है, यानी कि काफ़ी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। और हैदराबाद का अगर आप ऑल ओवर रिकॉर्ड देखो कि अपने घर में कैसा खेली है वो, तो भाई उन्होंने यहाँ पे 56 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो 34 जीते हैं और 21 हारे हैं, और वो 15 मुकाबले पहले बैटिंग करके और 19 मुकाबले चेज करके जीते हैं। यानी कि हैदराबाद में उनका रिकॉर्ड तो भाई चेज करके ही है, बट यहाँ पे हैदराबाद का अगर इस साल का रिकॉर्ड निकालोगे ना तो भाई उन्होंने पहले बैटिंग करके भी बड़े मैचेस जीते हैं जिसमें उनका 277 आपको याद ही होगा, और यहाँ पे डिफेंड करते हुए यहाँ पे चेज करते हुए 10 ओवर में 160 रन चेज कर रहे, तो भाई इससे बड़ा क्या आप रिकॉर्ड नहीं बोल। अब बात करते हुए दोनों टीमों क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा और फिर करेंगे हम प्रेडिक्शंस। भाई हैदराबाद की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो पिछले मुकाबले में जो टीम थी ना वही रहने वाली है। हैदराबाद की टीम की तरफ से जो आपके ओपनिंग करेंगे वो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, नीतीश रेड्डी, एनरिक क्लासियन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, सनवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनाडकर। वहीं यहाँ पर अगर जाओगे गुजरात की टीम की क्या प्लेइंग 11 होगी तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे, देन मैथ्यू वेट, शाहरुख खान, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी, संदीप वारियर, इनके इम्पैक्ट पे साई किशोर होंगे। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की भाई कौन से खिलाड़ी यहाँ पे अच्छा करेंगे। पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं भाई, हेड या अभिषेक में से कोई आपको 50 प्लस स्कोर लगाएगा, देन नीतीश रेड्डी आपके हाई स्कोर हो सकते हैं। इनकी गेंदबाजी में आप जाओगे भुवनेश्वर कुमार काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, उनका साथ देता को नजर आएंगे कहीं ना कहीं पैट कमिंस। गुजरात की तरफ से आप देखोगे शुभमन गिल पर मुझे फिर से ट्रस्ट है और साई सुदर्शन भी अच्छा स्कोर लगा सकते हैं। वहीं इनकी गेंदबाजी में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं जो डेंजरस हो सकते हैं वो नूर अहमद हो सकते हैं इनके लिए, मोहित शर्मा भी कुछ विकेट मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं। इस मुकाबले को मेरे हिसाब से जो टीम जीत रही है वो हैदराबाद की टीम जीत रही है। वन साइडेडली आपको लगभग मुकाबला देखने को मिलेगा और काफ़ी अगर हैदराबाद की पहले टीम की बैटिंग आती है ना तो वो 200 प्लस लगाएंगे, अगर चेज करते हैं तो 15 ओवर से ऊपर गेम नहीं जाने देंगे मेरे हिसाब से। आप बताइए कि आप इस मैच पे किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है और कौन सा खिलाड़ी होगा मैन ऑफ द मैच। अगर आपको आई हो वीडियो पसंद भाई कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट।